हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ये मेरा होली स्पेशल वीडियो है। क्यों ना इस बार होली को हम इतने मजेदार बनाए कि यादगार बन जाए ये होली। तो जैसे जैसे मेरे साथ आप लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या करने वाली हूँ। एक्चुअली ना मेरे पास ड्रेस नहीं है होली के लिए पहनने के लिए, सारा कुछ सफेद, कुछ बहुत अच्छा है जो मैं पहनना नहीं चाहती और कुछ जो है जो मैं पहले पहन चुकी हूँ। तो इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ, पर खरीदना मुझे नहीं है क्योंकि होली में एक बार पहनो और उसके बाद उसको पहना नहीं जाता। तो इसलिए मैं कुछ जुगाड़ू लगाना चाहती हूँ। तो जुगाड़ू टिप्स या ट्रिक्स से मैं कुछ बनाऊंगी। पति देव का जो है शर्ट को हम काम में लगा लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अपने पति देव का एक शर्ट निकाल के लाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाने वाली हूँ क्या करने वाली हूँ मैं। तो हो सकता है व्हाइट ना हो, ऑफ व्हाइट हो या कुछ हो, पर मैं काम चला लूंगी। चलिए फिर उसके बाद भी दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये एक शर्ट में निकाल के ले आई, चल जाएगा। पूरा व्हाइट नहीं है, थोड़ा ऑफ व्हाइट या थोड़ा पिंक, पता नहीं कैसा है, लेकिन दूर से सफेद ही दिखता होगा। तो एक्चुअली ये मैं उनके बिना परमिशन के लाई हूँ, उन्हें पूछी नहीं हूँ। मैं उनसे पूछ के ये मांगती तो मुझे शायद नहीं मिलता, क्योंकि बहुत दिन से ये कवर में पड़ा हुआ था, उनको याद भी नहीं है शायद, ऐसे ही पड़ा हुआ था। अगर मैं उनसे पूछती तो शायद बोलते नहीं नहीं मुझे याद था, मुझे ये पहनना था, अभी मैं पहनूंगा, ये वो बना लूंगी, उसके बाद उनको दिखाऊंगी तो शायद चल जाएगा, लेकिन परमिशन शायद ना मिलता। तो चलिए फिर मैं बना लूंगी इसका कुछ जुगाड़ू। तो मैं क्या करूंगी, देखिए सबसे पहले इसका बटन निकाल दूंगी, हाथ को कट कर दूंगी और एक छोटा सा कुर्ती अपने लिए बना लूंगी। चलिए ये तरीका भी मैं आपसे शेयर करूंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए फिर शर्ट को कुर्ती में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बटन्स को निकाल दूंगी, उसके बाद कुछ इस तरह से मैं हाथ को काट दे रही हूँ, दोनों हाथ काट लेंगे और कोई झंझट की बात नहीं है और बहुत आसानी तरीके से। कितना होली के लिए खास करके बना रहे हैं तो ना फिनिशिंग के तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने हाथ वगैरह काट लिया है, तो कुछ अपने फिटिंग के हिसाब से मैं स्टिच कर लूँगी। बीच का मैं जो है जो खुला पार्ट है उसको मैं जॉइंट कर दे रही हूँ, थोड़ा नीचे वाला हिस्सा खुला छोड़ूंगी और हाथ थोड़ा मोड़ के स्टिच कर लूँगी। पाइपिंग वगैरह मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ, तो होली के लिए है, खास करके होली के लिए मैं बना रही हूँ, उसके लिए बस पहनने लायक कुर्ती बन जाए, थोड़ा अच्छा बॉडी फिटिंग का हो जाए तो वही काफ़ी है, और दिखने में अच्छा भी दिखना चाहिए, अच्छा तो दिखेगा ही, ऐसा बना रही हूँ। तो देखिए ये मैं कलर्स वगैरह प्लेट में निकाल दी, फैब्रिक कलर है ये सारा। तो उसके बाद क्या करेंगे, चलिए ये देखिए ये मेरा कुर्ती बन के तैयार है। अभी इसके ऊपर रंगों का कुछ काम करेंगे। तो आ गया ये मज़ेदार हिस्सा, देखिए हाथ से मैं कैसे चिपका रही हूँ रंगों को। कभी बचपन में तो हर कोई ऐसे खेलते होंगे, अभी हमारे बच्चे भी ऐसे खेलते हैं, लेकिन हम उन लोगों को डांट लगा देते हैं। तो ये होली का त्यौहार ही कुछ ऐसा है कि हम उन्हें रोक टोक नहीं कर सकते हैं, हाँ उनके सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए। तो देखिए चलिए अभी ऐसे बचपना फिर से लाते हैं, ऐसे मज़ेदार कुछ करते हैं। चलिए ये बना रही हूँ मैं हाथ का प्रिंट, ये हो गया मेरा हाथ। उसके बाद मेरे दो बच्चे हैं, तो दो बेटे हैं, तो उन लोगों का भी मैं मदद लूँगी। तो देखिए ये हो गया और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मेरे जो है बड़े बेटे का, उनका हाथ डाल रही हूँ। तो अभी छोटे वाला भी उसका भी बारी आएगा, देखिए थोड़ा चिपक जाता है तो थोड़ा उठाने में दिक्कत हो रही है। देखिए ये बन गया।
ये छोटा वाला, ये तो फुल मजा ले रहा है। इसके बाद ना वो कई जगह पर ऐसे हाथ प्रिंट डालता गया पूरा कलर ख़त्म होने तक, और वो पूरा उसका बॉडी और कुछ नहीं था उसका पूरा। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, शर्ट का जो बीच वाला हिस्सा है ये बटन होल है, सारा गंदा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको कवर करने के लिए, मेकअप करने के लिए हम ये ग्रीन कलर का बटन में लगा दे रही हूँ। कोई सा भी कलर आप लगा सकते हो, या फिर बटन से कपड़ा रैप करके ऐसा कुछ बटन बना के लगा सकते हो आप। फैब्रिक कलर करने के बाद ना उसको छांव में ही सूखने को छोड़ दें। ये पूरा ड्राई हो चुका है, अभी उसको हम पलट के प्रेस कर लेंगे। फैब्रिक प्रिंट के बाद प्रेस करना ज़रूरी है, कलर अच्छे से जम जाता है कपड़े में और रंग छूटता भी नहीं है धोने के बाद। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी अच्छी जानकारी मिलती है तो आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। पहनने के बाद कैसा दिखता है चलिए देखते हैं। लग रहा है क्या मैं हस्बैंड की ड्रेस पहनी हुई हूँ, शर्ट पहनी हुई हूँ बोल के? नहीं ना, ये पूरा मेरा बॉडी फिटिंग के हिसाब से मैं कुर्ती टाइप का बना ली हूँ। उसके ऊपर ये डिजाइन हैंड प्रिंट का फैब्रिक कलर में है। ये मेरा हाथ है, ये मेरे बड़े बेटे का, ये मेरे छोटे बेटे का। हस्बैंड को तो बिना बताए कर रही हूँ, नहीं तो थोड़ा लॉन्ग होता तो उनका हाथ भी यहाँ पे रख लेती। चलिए जो है अभी दिखा दूंगी, इसके बाद मैं दिखा दूंगी, फाइनल बन गया ना, उसके बाद मैं उनको दिखा दूंगी। थोड़ा बहुत डांस सुनना है तो सुन लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मैं तो अपना जुगाड़ लगा ली, आप भी चाहे तो अपना जुगाड़ लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं भी किसी तरह भी लग नहीं रहा है कि आप कुछ टुकुर मुकुर चीज ऐसा करके बनाए हो। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, मैं तो जरूर पहनने वाली हूँ ये होली पे। तो हाँ, ये बाल में खुला नहीं छोड़ने वाली, अभी इस ड्रेस के ऊपर ही है इसीलिए मैं मतलब ऐसे खोल के दिखा दे रही हूँ। लेकिन होली खेलने से पहले मैं जरूर तेल लगा के टाइटली बांध लूंगी। और एक टिप्स मैं देना चाहती हूँ, होली खेलने से पहले जरूर बॉडी पे मसाज कर लीजिएगा। नारियल तेल का मसाज बहुत अच्छा रहता है, बॉडी लोशन हो या फिर एलोवेरा जेल हो। एलोवेरा जेल तो अच्छा काम करता है, उससे भी अच्छा आप ट्राई करके देखिए, नारियल तेल बहुत अच्छा काम करता है। बहुत आसानी से रंग छूट जाएगा और अंदर तक, बॉडी के अंदर तक नहीं जाने वाला है कोई सा भी रंग। तो चलिए इस बार होली के लिए मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी होली, अच्छे से मनाइए होली का त्योहार।